गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज काफ़ी बेहतरीन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूँ। नाम से ही पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 9th क्लास में अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। आज हम लोग क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि वही लाइक सब्सक्राइब और शेयर हमारे अंदर एक मजबूती और एनर्जी देता है। आप लोग हंसते मुस्कुराते और पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित मंजिल होनी चाहिए। अगर हमें मंजिल का पता होना चाहिए, अगर हम एक सुनसान रास्ते पर जा रहे होते हैं जिसके ना तो कोई अपनी मंजिल होती है ना कोई मुकाम होता है, और राही उस राह पे भटक जाते हैं, ऐसे ही विद्यार्थी भी अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। तो लगन और मंजिल ये दोनों एकदम ध्यान में रखकर हमें पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हम अपने माता पिता के नाम का रोशन करना है। तो सबसे पहले आप अपनी मंजिल तय कर लें कि हमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और नॉलेज के लिए लगन भी होनी चाहिए, हमें पर डे पढ़ाई करनी चाहिए, किसी दिन गैप नहीं जानी चाहिए, एकदम मेहनत जो है एक कारगर होनी चाहिए, एक दिशा में होनी चाहिए, डायरेक्शन के साथ होनी चाहिए। चलते इसी के साथ मैं स्टार्ट करते हैं। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप हमारे साइड में यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम सिर्फ इक्वेशन पढ़ना है, तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वल टू 0 होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साइड में। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे वेयर ए डजंट इक्वल टू 0 और ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी तीनों के तीनों रियल नंबर होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो लीनियर में चला जाएगा, क्योंकि जो है एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि डिग्री 2 है तो इसका जीरोज भी कितना होगा, 2 जीरोज होगा। कितना जीरोज हो जाएगा, 2 जीरो। जिसका जितना डिग्री होता है ना उसका उतना जीरोज होता है। जीरोज का मतलब ऐसा समझ लीजिए, जीरोज का मतलब हो गया उसका सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है उसी को रूट्स भी कह सकते हो, जीरोज भी कह सकते हो और सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे, जो अल्फा और बीटा जो होता है वही उसका जीरोज कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, रूट्स कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स नाम का वर्ड सुनेंगे। रूट्स का मतलब अगर आएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक, फाइंड द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स का मतलब यहाँ हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू होगा, एक वैल्यू को अल्फा और दूसरे वैल्यू को बीटा हम लोग कहेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है? लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इस वीडियो का जो लिंक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसकी लाभ मिल सके। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, हम लोग इसको सॉल्व करने का जो है वो तीन तरीका है, थ्री जो है वो मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इनटू लास्ट को गुना कर लेते हैं, और फर्स्ट इनटू लास्ट के गुना करने के बाद करते क्या है हम लोग कि उसके फर्स्ट इनटू लास्ट गुना करने के बाद क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, और गुना करने पर ये फर्स्ट इनटू लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड्स पे हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन है कि सोल्व 8x² - 22x - 21 = 0 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये आरएस सवाल का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। आप इस वीडियो के देखने के बाद ना, आपको आरएस सवाल एनसीईआरटी आरडी शर्मा किसी भी बुक का ये जो है आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे को ना कंसेप्ट की कमी रहती है, जिसकी वजह से क्या बच्चे क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं कितना बेहतरीन बनता है, क्योंकि इसको गुना करने पर कितना आ रहा है, गुना करने पर आ रहे हैं कि 8 और 21 को गुना करेंगे तो 8 और 21 को गुना करेंगे तो 168 आ गया। कितना आ गया? 168। क्योंकि मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, सब आपको लिख कर बता सकते हैं, तो इस पर आप देखिए जैसे जैसे लिखा रहा है तो 168 को गुना करना है। अब प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो 28 × 6 आ जाएगा, तो 28 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 आ गया। 28 में से 6 गया तो 22, और 28 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो कितना आ गया 168। तो यहां घटाने पर आया है तो कभी जोड़ने पर आएगा, प्लस वाला आया तो प्लस करेंगे, माइनस वाला आया तो माइनस करेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं 8x² - 28x, चूंकि हमको माइनस में लाना है तो बड़ा वाला को माइनस और छोटा वाला को माइनस प्लस करते हैं, तो 8x² - 28x + 6x और माइनस क्या हो जाएगा 21 = 0। ठीक है, अब जो हो जाएगा कि चूंकि इसमें जो है 4x दोनों में है, क्योंकि 8x² में 4 है, x है, और 28 में भी 4 है और x है, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा इसमें 2x - 7 बच जाएगा प्लस, और उसमें क्या बच जाएगा, क्योंकि वह 6 है और 21 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, जब 3 कॉमन ले लेते हैं तो 2x - 7 = 0 आ गया। क्या 2x - 7 = 0? अब देख क्या रहे हैं कि 2x - 7 = 0 जो है ये जो दोनों के लिए कॉमन है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो 2x - 7 * क्या हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा, चूंकि अब प्रत्येक प्रोडक्ट जो है वो, चूंकि प्रोडक्ट जो 0 के बराबर है, मतलब प्रत्येक पार्ट जो है 0 के बराबर है, मतलब 4x + 3 = 0 हो जाएगा, तो 3 क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि 4x = -3 और x = कितना आ जाएगा
माइनस 3/4 आ गया। दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं कि दूसरा 2x-7=0 हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा 7 और x=7/2। ये आ गया एक वैल्यू आ गया कितना -3/4। तो इसको अल्फा मान लेंगे और 7/2 जो बीटा हो गया। तो ये जो है अल्फा और बीटा का वैल्यू -3/4 और 7/2 जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को गुना कर सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं। कैसा लग रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है कि स्प्लिटिंग, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूट्स निकालेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड एक ऐसा मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जिसमें क्या होगा कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम क्या करते हैं उसको ला देते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसका रूट्स निकाल लेते हैं। यानी सबसे पहले हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग रहेगा वो हम क्या करते हैं ला देते हैं, फिर क्या करते हैं हम उसका रूट्स निकाल लेते हैं। फिर या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग रहेगा तो हम क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पर भी हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हमको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से, कंप्लीट स्क्वायरिंग मतलब बोले कि इसका पावर जो होना चाहिए वो होल स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहां पर x स्क्वायर पर यहां तो या तो 1 होना चाहिए, नहीं तो इसका होल स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं तो 9 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 16, ऐसा मतलब जिसका होल स्क्वायर हो सके। तो कि x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस, चूंकि स्क्वायर प्लस 2 और a का वैल्यू उधर डालेंगे कितना x, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b जो है उधर है 4 है, तो 4 मतलब 2 के स्क्वायर मतलब 2a और b के जगह पर 2 डालेंगे आप प्लस, तो 2ab मतलब इसको गुणा करने पर ऊपर वाला टर्म आना चाहिए 4x आ जाएगा 2ab और प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और x plus 2 into x plus 2 equal to 0, अब प्रत्येक पार्ट हो जाएगा 0 के बराबर, चूंकि अभी हम लोग जो है कि फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़े कि प्रत्येक पार्ट जो होता है प्रोडक्ट उसका वो 0 के बराबर होता है। तो x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2, वो भी जो है वो दूसरा भी क्या है x plus 2 equal to 0, तो x equal to minus 2, चूंकि इसके पास जो इक्वल रूट है यानी कि अल्फा और बीटा के वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हैं। तो थोड़ा सा ये जो मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से जो है हम लोग रूट्स निकालना सीखे हैं। आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से। क्वेश्चन लिख लीजिए 6x² + 40 = 31x। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए 6x² + 40 = 31x। आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर भेज सकते हैं, मैसेज जरूर कीजिए। अब जो है चूंकि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड जो थोड़ा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर लाने में थोड़ा सा कठिन था, क्या था ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं थर्ड मेथड का इस्तेमाल हम लोग किए थे। फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, दूसरा में हम लोग पढ़े हैं कंप्लीटिंग। तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, कि हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। चूंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके, किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने जो है ये इनको दिया था इस फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिक क्या है,
यानी कि यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट जो है हम अल्फा और बीटा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मतलब ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और हम लोग क्या कहते हैं इसमें फर्स्ट इनटू लास्ट जो हो गया चाहे होल स्क्वायर कुछ नहीं, सिर्फ ये फार्मूला का इस्तेमाल करो और क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करो और हम लोग क्या करते हैं उसका वैल्यू हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअली में है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते ही हैं, हाँ कितने कितने बच्चे जानते हैं, हाँ चलिए थंप तो दीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो शुरुआती में ही हम बताए थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये अगर ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग जान गए। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर उसी से हमको पता चलता है कि उसका जो रूट्स, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा या किया भी होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट उनका वो बिक रहा होगा जिसकी वजह से वो तो बनाने के बना लिए लेकिन समझ नहीं पाए, लेकिन अब उसे बिल्कुल तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये डी ही बतलाता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी ही बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन होगा या ना होगा, होगा तो कितना होगा और जो है कैसा होगा ये भी बताता है। अगर d इक्वल टू जीरो आ गया, अगर d निकाले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाले तो उसका वैल्यू अगर जीरो आ गया, मतलब बहुत सारे इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का जिसमें d इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब हो गया उसके पास जो है रियल बनेगा, क्या बनेगा, रियल रूट बनेगा और इक्वल रूट होगा, रियल और इक्वल रूट्स बनेगा। रियल का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू निकलेगा और इक्वल रूट होगा, मतलब कि डी का जो वैल्यू उसका स्क्वायर रूट निकले, रियल का मतलब उसका स्क्वायर रूट निकलेगा और उसका स्क्वायर रूट निकले या ना, मतलब डी जो है ना वो अंडर रूट में, डी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट में माइनस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको रियल कहते हैं। इक्वल का मतलब हो गया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू जो है वो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा इक्वल रूट के लिए। पहला कंडीशन है कि इक्वल टू जीरो होगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों का वैल्यू जीरो होगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी होता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, अब डी का वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा हो गया, दस पचास सौ लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है, डी का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया। तो अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया तो इसका मतलब हो गया कि डी जो है इसके पास रियल रूट है, क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। रियल होगा मतलब उसका वैल्यू निकलेगा और डिस्टिंक्ट मतलब हो गया अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग होगा, अल्फा का वैल्यू कुछ होगा बीटा का वैल्यू कुछ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ही हो सकता है, अल्फा बीटा का मतलब अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है कि डी का वैल्यू अगर निकाले और डी जो है
पूछेगा कि नेचर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से बता सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी डिवीजन का नेचर क्या है। तो डी अगर जो है लेस देन जीरो आ गया, डी का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब हो गया लेस देन जीरो आ गया, तो उसका रियल जो है रूट जो होगा वो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। जो आप 11, 12 में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर भी होता है, हम लोग अभी तक क्लास 10 तक जो भी पढ़े हैं वो सब के सब रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं, जिसका वैल्यू निकलता था, ठीक है, रियल नंबर। लेकिन वही कुछ नंबर्स हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर जो है वो उसका वैल्यू जो हम लोग क्वांटिटी क्वेश्चन का हम वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इमेजिनरी है, डी लेस देन आ गया उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं किसी भी हाल में, तो उसको हम लोग कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर। तो वहाँ पर जो रूट्स जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट। जो है डी अगर लेस देन जीरो आ गया तो इसका मतलब हो गया कि उसका हम लोग क्या करते हैं रूट्स निकालते नहीं, वहीं पर छोड़ देते हैं, लिखते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़े हैं, मेन तो हमको पढ़ना था क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक भी आ रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ आप लोग लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक शेयर भी हमें बहुत मोटिवेट करता है। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के बाद आपको एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये हम चाह रहे थे कि बच्चों भी कमेंट कर रहे थे कि सर क्वाड्रेटिक का एक थ्योरेटिकली थ्योरी पर जो, तो क्वाड्रेटिक तो अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज होगा, रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस रूट डी, डी का मतलब वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप बटा टू ए होता है, यानी कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बटा टू ए, ये हो गया। इस फॉर्मूला पर हम डालेंगे, क्योंकि ए कहाँ है, क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर, तो वहां से ए लिए है, बी एक्स वहां से बी लिए है, प्लस सी जो सी लिए है और इसमें पुट कर दिए हैं बटा टू में। बीटा में क्या करते हैं, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बटा टू में, ठीक है। तो इस फार्मूला के द्वारा, इसी फार्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस बी अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बटा टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बटा टू ए, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगा थ्योरेटिक, ठीक है, चलते हैं, चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। चलिए लिखिए, सोल्व 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको सोल्व करना है किसके द्वारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a बराबर क्या है 9 है और b इक्वल टू कितना है 7 है और c इक्वल टू माइनस 2 है, यानी a b c हमको पता हो गया। जब a b c पता हो गया, ठीक है, तो एबीसी जब पता हो गया तो हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं, फटाफट डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी मतलब हो गया 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 माइनस 4 ए बी होता है 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, तो 49 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 36 दुना 72, 72 और 49 हो जाएगा 121। डी का वैल्यू आ गया 121 आ गया, तो यानी डी जो है ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी कि इसके पास जो रूट्स होगा
वो क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया कि अल्फा के वैल्यू अलग आएगा, बीटा के वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बटा टू ए। तो माइनस और बी कितना है, सेवन है, तो माइनस सेवन प्लस अंडर रूट 121 बटा टू इंटू ए का वैल्यू 9 है। तो माइनस सेवन प्लस 121 का जो है रूट जो होता है वो 11 होता है। आप 8 क्लास में पढ़े हैं, काफ़ी बेहतरीन पढ़े होंगे रूट्स निकालना। तो 121 का 11 होता है बटा 9 दुना 18 हो गया। तो 11 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बटा 18 यानी कि 2/9 आ जाएगा। ये अल्फा आ गया। और बीटा, अब हम लोग ये अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लेते हैं। बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट डी अब बटा टू बी होता है। तो माइनस सेवन माइनस रूट अंडर 121 बटा टू इंटू 9 यानी माइनस सेवन, क्या गया, माइनस सेवन माइनस 11, चूंकि 121 का भी निकाले हैं कि 11 होता है, माइनस सेवन माइनस 11 अब बटा 9 दुना 18। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक तो बनता है। आप लोग एक एक लाइक हमें काफी मोटिवेट कर सकते हैं, आप लोग के लिए हम तो मोटिवेट करेंगे ही। तो अब बटा 9 दुना 18, चूंकि 11 और 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 और माइनस 7 18 आ गया, माइनस 18 बटा 18 कट गया तो हो जाएगा माइनस 1 यानी अल्फा इक्वल टू हो गया 2/9 और बीटा इक्वल टू हो गया माइनस 1। यही हो गया उसका सॉल्यूशन। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, काफी बेहतरीन। कैसा लगा ये थियोरेटिकली क्लास, आप लोग जरूर हम लोग के बतलाइएगा और कमेंट कर सकते हैं। साइज का क्वेश्चंस हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम सारे करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और सुरक्षित रहे, मास्क पहने। थैंक यू।